जब यहाँ पर आ रहे थे तो दो दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर भाषण देते हैं, खुदबा देते हैं और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला है। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदाफिस, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं? क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मजार अशफाकुल्लाह हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे 8 बजे 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हाँ माई बाप देख लो हमको, माँ की तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे, शाम के वक्त एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकालकर कहा खबरदार, तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम? नहीं, सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूँ तो अल्लाह का मोहताज हूँ। मैं तुमको आपको बताने आया हूँ कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा होश हासिल करके हमको बर्बादी के चाहने पर लाकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में मजलिस की पहली कोशिश ये है कि यहां से आपकी मुस्लिम अखिलियत की एक सियासी लीडरशिप बने। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है, यहां पर हर बिरादरी की, यहां पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी
जब सबको उसमें हिस्सेदारी का उसमें हिस्सा मिलेगा, उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। आखिर क्यों कम पढ़े लिखे मुसलमान है? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल के बाहर है, जिनकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करने की है वो 60% है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अगर दलित भाइयों के साथ अगर कोई इंडेक्स फाइल है तो मुसलमान है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार किसी हद तक हमको भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह कि आप जीतेंगे, तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। इस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मजलिस जोड़ने को आती है, और मजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप जाकर समाजवादी के लोगों से पूछेंगे ओवरब्रिज क्यों नहीं बना 2 साल से, तो 5 साल से, तो बोलेंगे ओवैसी यहां से गया था इसलिए नहीं बना। ओवरब्रिज नहीं बना, और जो मुख्यमंत्री बाबा है बाबा को भी पता नहीं है, बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है माशाल्लाह खंडेर में तब्दील हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाइप लाइन के लिए रोड खोद दी गई है, मगर ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर वो तक नाम बदल दो काम हो जाए। फिरोजाबाद में 50 बच्चे डेंगू से मर गए, 50 बच्चे, नाम बदल दो, क्या नाम बदलने से बच्चे मरना बंद हो गए? उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए जिसमें मुसलमान भी शामिल है, 2019-20 में मोदी सरकार ने बाबा की सरकार को 116 करोड़ रुपए दिए कि मुसलमानों के उन गांव में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए और जिसमें से बाबा की सरकार ने महाराष्ट्र ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए, और महाराज बोलते मोदी बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 116 करोड़ में सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए गए। दूसरी बात कि रुदौली तहसील में क्या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है? गवर्नमेंट का है, क्यों नहीं है? क्या हमको हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का शौक नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं चाहते? क्या अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते? तेरा बोलेंगे नहीं मुसलमान बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता। अरे दिमाग तेरा खराब है, हम पढ़ाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहते अपनी बच्ची।
इनको अफगानिस्तान के लड़कियों पर जुल्म की बड़ी फिक्र है, मगर रुदौली में बच्चों के पढ़ने के लिए ये इनका दोगला दोहरा चेहरा है। और फिर आप देख लीजिए कि फिर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार ने कहा कि कोविड आया तो मई में फैसला किया कि ऑनलाइन स्कूलों को स्कूल में तालीम दी जाएगी। आपको मालूम मेरे भाई, आपके रुदौली में कितने टीचर को कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता? हेल्थ की बात में रुदौली में 255 सब सेंटर है, 40 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर वो बननी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में ये जिला अयोध्या का है, यहां पर कितने बच्चे 5 साल की कम उम्र के, जब 5 साल के होते हैं तो स्टंटेड कितने होते हैं, कमजोर कितने होते हैं? 50%। बाबा से जाकर पूछिए, महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरता परस्ती की बात कर रहा हूं। ऐसी मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि 50% 5 साल के कम उम्र के बच्चे स्टंटेड है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हुक्मरानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है? और फिर वेस्टेड बच्चे 19%, अंडरवेट यानी जो उम्र में वजन उनका होना चाहिए कितने मालूम आपको? 45%। आपकी आवाज़,